सोमवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ अपने कुशलता के साथ 8 साल की सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित किया और निरंतर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के साथ मोदी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन खाता, किसान सम्मान निधि, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 खत्म, राम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मुख्य तौर पर विकसित और सांस्कृतिक उत्थान से लेकर के संपूर्ण भारत का उत्थान का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित होने पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व पर विचार करके अपना निर्णय लिया है और हम सभी को किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व पर विचार चल रहा है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वह करेगी। इस अवसर पर देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, ब्रजेश मिश्रा, शशिकांत सिंह, शिवम पांडे, चंदन आर्य सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, मैंने तो बात किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सुशासन पर बात किया है, विकास के कार्यों पर बात किया है और एक एक योजनाओं को आज लोगों के समक्ष रखने का काम किया है। शुरुआत उज्ज्वला योजना से हुआ। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह सरकार चल रही है वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासन काल के 8 वर्ष पूरे किए हैं और इन 8 वर्षों में जनता ने उनको जो चुन करके भेजा था तो पूरी तौर पर जनहित के कार्यों को किया है और उसी जनहित के कार्यों को बताने के लिए आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना का हो, सौभाग्य योजना का हो, जनधन खाते का हो, किसान सम्मान निधि हो, पूर्वोत्तर को पूरी तौर पर विकसित करने का काम हो, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पूरी तौर पर विकसित करने का बात हो, इन सब पर हम इस बात को कहना चाहेंगे कि सांस्कृतिक उत्थान से लेकर के और संपूर्ण भारत के उत्थान का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। अपने शासनकाल में कोरोना के भीषण महामारी में भी जहां उन्होंने 3 प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज दे करके लोगों के जीवन के रक्षा करने का काम किया, न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देशों को भी भारत की बनी हुई वैक्सीन को दे करके भारत की सहृदयता को सिद्ध करने का काम किया।
जिसका परिणाम आज विश्व के देशों के द्वारा भी जब किसी प्रकार के संकट की बात आती है, समाधान की बात आती है, तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को विश्व के राष्ट्र नायकों के द्वारा ढूंढा जाता है। मैं समझता हूं कि अभी हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए का जिस प्रकार से किसानों को किसान निधि में देने का काम किया और आज बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जन समर्थ ऐप को लॉन्च किया है। भारत सरकार के 9 विभागों की 13 योजनाओं को एक साथ केवल एक बटन दबा कर करके उसका लाभ लिया जा सकता है, बैंकों से ऋण लिया जा सकता है। इस सभी बातों पर विचार करने के बाद जो है हम लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री की इस नीतियों को, प्रधानमंत्री के इस कार्य को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी को लेकर के आज यह आपसे रूबरू है। मैं समझता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ही है, तो आज हम ये मान करके चलते हैं कि 2006 से लेकर के 14 तक जहां एकाध लाख की स्थिति में था, उसको प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में 56 लाख से अधिक आवास को लेकर दे कर करके और फिर दूसरे कार्यकाल के स्थिति में ला करके उसको करोड़ों में करके आज प्रधानमंत्री आवास में लोग रह रहे हैं, वो शहरी आवास हो या ग्रामीण आवास हो। ऐसे ऐसे हर प्रकार से जो योजनाएं हैं उस योजनाओं की जानकारी देने के लिए ही हमने किया है कि हम लोगों ने एक हार्ड कापी भी रखा है, वो हार्ड कापी भी निश्चित ही आप सभी लोगों को वितरित की जाएगी, जिसे एक एक योजनाओं का पूरी तौर पर वर्गीकृत कर करके देंगे। देखिए, इस संदर्भ में भी हाल ही में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा जम्मू कश्मीर के LG श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने, दोनों लोगों ने कानून व्यवस्था पर पूरा विचार किया है और कश्मीर के पंडित जो इधर उधर जाने की स्थिति में आ रहे हैं उन सभी लोगों को व्यवस्थित ढंग से करने का काम किया है और ये तय किया है कि नहीं, हम उसी स्थान पर अब उनको पूरी तौर पर सुरक्षा देंगे और सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। इस पर केंद्रीय नेतृत्व निश्चित ही विचार कर करके अपना निर्णय लिया है और मैं समझता हूं कि दोनों बातें होनी चाहिए। किसी को भी उकसाने का काम नहीं होना चाहिए और चैनल्स पर जिस प्रकार से उकसाने की बात हो जाती है, धर्म सभी का बराबर है और उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस बात को कहा है, तो इसी आधार पर कहा है कि समग्र भारत को हम लेकर के चलेंगे। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पर विचार कर रहा, विचार करके जो भी कार्यवाही होगी वो करेंगे।